साहब देखो, अभी हो गए भाई नज़ारे शुरू। और अभी आगे दिखाता हूँ भाई, देखो क्या सेक्सी नज़ारे हैं ना यार। ओ भाई साहब, ये देखो भाई, भाई साहब ये देखो भाई नज़ारे। लाइक कुफरी तो भाई फिर लाजवाब मिलेगी भाई, बर्फ। ओ भाई, अरे भाई एक गाड़ी का हाल देखो। ओ भाई साहब, या तो भाई फोटो खींचेंगे उतर के। थोड़ी आगे ले ले भाई, थोड़ी आगे जाने दे। वो आगे आगे वाला पोर्शन है ना वहाँ। अरे अरे चलना भाई, वहाँ चलेंगे, वहाँ सही है, वहाँ ज्यादा है यहाँ से। भाई देखो भाई, मिली गई यार बर्फ। देखो भाई ये है नज़ारा सही। तो क्या बात है, क्या बात है। तो यार अभी कुफरी में है और नज़ारे देखो भाई। भाई मैं हूं जिया। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। देखते हैं यहाँ क्या सीन है। गाइस हमें बर्फ मिल चुकी है। और भाई इतनी देर से ना बर्फ ढूंढ रहे थे और अभी मिली गई भाई। तो भाई अभी कुफरी आना तो भाई सक्सेसफुल हो गया यार। मस्त नजारे हैं यहाँ पे। और मतलब कुछ मेन रोड पे तो नहीं है अभी बर्फ, पर साइडों में है। और भाई गजब ठंड हो रखी है भाई, पैर बिल्कुल सुन हो गए। और देखो भाई नज़ारे अभी। देखो भाई यहाँ कुछ फोटो क्लिक कर रहे थे। और ये याक देखो यार कितने खूबसूरत है यार। और भाई ये आपको भाई ना मिलते रहेंगे ऐसे ऐसे आपको ट्रिप वगैरह कराने के लिए। तो ऐसा कुछ है सीन। और भाई ब्लैक आइस हो रखी है रोड पे, बहुत खतरनाक वाली। अभी तो नहीं है इस एरिया में तो नहीं है, बट साइड साइड में है। देखो ये रही, कई पोर्शंस में बीच में भी है। तो थोड़ा सेफ ड्राइव भी करनी सही है भाई यहाँ पे। अभी एक ब्रेजा वाले थे भाई, वो निकाल रहे थे अपनी गाड़ी साइड में पार्किंग से। जो भाई स्किट हुई ना लाजवाब भाई, दूसरी गाड़ी में ठुकती ठुकती बची है उनकी गाड़ी। बाकी रोड सही क्लीन कर रखे हैं भाई। ये आपको सामने क्रेन दिख रही होंगी ना, और इन पे स्नो भी लगी होगी आगे। स्नो नहीं तो स्लश तो जरूर होगी। हाँ देखो ये स्लश वगैरह है भाई। आगे जा रहे हैं इस उम्मीद में कि इससे बेटर ही नज़ारा होगा आगे। तो देखते हैं भाई थोड़ा। अभी नारकंडा तो भाई कैंसिल हो गया, नारकंडा काफ़ी दूर है। और हमारा मैंने बताया था कल स्टार्टिंग में ही कि भाई छोटा सा ट्रिप है, आज रात तक हमें निकलना है। मतलब लाइक 5-6 बजे तक वापस निकल लेंगे हम, या 7 बजे तक, क्योंकि रोड पे ज़्यादा बर्फ तो है नहीं। तो रात को भी निकल लेंगे तो कोई ऐसा खास इशू नहीं है। बाकी भाई नज़ारे मस्त हो रखे हैं, वर्थ इट हो गया भाई आना। शिमला में तो भाई नहीं थी बर्फ, बट यहाँ तो भाई गजब है कुफरी में तो। और देखते हैं 10-15 किलोमीटर और आगे जाके देखते हैं क्या सीन है। तो गाइस अभी आपने जो ये देखा, ये कुफरी मेन था। और अभी हम थोड़ा आउटर पे हैं वापस से। तो अभी आगे देखते हैं, थोड़ा और आगे ड्राइव करके आते हैं, थोड़ा कुछ और बढ़िया नज़ारा मिलता है या नहीं। अभी थोड़ा भीड़ है यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा यहाँ से निकल के फिर। तो गाइस अभी थोड़ा भीड़ भाड़ से निकले हैं, और ये पूरा कुफरी का एरिया है यहाँ। ओ भाई साहब ये गाड़ी कैसे फंसी हुई है यार मेरे राइट में।
तो भाई ये स्लश का ही कमाल है, अभी दिख रहा होगा आपको स्लश हो रखा है यहाँ पे, और ब्लैक आइस भी है भाई बीच बीच में, ये धूप की वजह से थोड़ी पिघल गई है, नहीं तो भाई काफ़ी ब्लैक आइस हो रखी है यहाँ पे। अभी मैं बिल्कुल सेकंड गियर में डाल के भाई 20 की स्पीड में चल रहा हूँ, जबकि आगे रास्ता थोड़ा ठीक ही है, खुला हुआ है। तो अभी देखते हैं, फागू का बोर्ड लगा हुआ, फागू 4 किलोमीटर है, तो देख के आते हैं फागू में क्या है क्या नहीं। 4 किलोमीटर तो कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर अच्छा नहीं लगा तो वहाँ से रिटर्न ले लेंगे, नहीं तो वहाँ भी देखते हैं फिर क्या है क्या नहीं। इतनी ज्यादा ब्लैक आइस नहीं है जो ब्रेक ना मारे, ठीक ही है, ज्यादा नहीं है, पिंगल गिना है ये लग यार भी तो हो गई यार तो ठीक इकट्ठी हो गई बात यार। बाकी स्लिप फ्लिप होने का कोई टेंशन नहीं है यार, नहीं होगी स्लिप, गारंटीड भाई। भाई ये देखो नजारा, मतलब ये दोनों तरफ स्नो जो लग रही है ना भाई, सही डिसीजन लिया भाई आगे आने का, आगे आगे तो ऐसा लग रहा और ज्यादा ही है। तो गाइस अभी यही है, और भाई नज़ारा देखो चारों तरफ क्या लाजवाब हो रखा है, और भाई गाड़ी देखो कहाँ खड़ी है हमारी, भाई साहब लाइक काफ़ी है भाई स्नो देखो। अभी मेरे शूज़ मैच हो रखे ना तो पता नहीं लग रहा हुआ, ओ भाई अभी इससे पिछले क्या नहीं कोशिश कर रहा था मैं, फर्स्ट टाइम यहाँ तक आ गई थी ये प्रिंट रहे, अब कोई पत्थर वत्थर अड़ गया होगा यहाँ पे, कोई पत्थर वत्थर आ गया होगा तो ठीक से नहीं आ पाई, तो वही है भाई ज़्यादा पंगे भी क्यों लेने हैं। अभी एक दो फोटो क्लिक करते हैं यहाँ पे और फिर निकलते हैं आगे। अभी निकल रहे हैं यहाँ से, काफ़ी टाइम हो गया था भाई हमें, 1.5 घंटा हो गए यहाँ मस्ती मुझे करते हुए, तो ठीक है भाई अभी 11:30 हो गए, तो अभी थोड़ा और आगे रुकेंगे कहीं कुछ खाए वाएंगे फिर आगे निकलेंगे घर के लिए, वही मतलब 3-4 तो बज ही जाएंगे घर तक निकलने में, बाकी देखते हैं जैसा ही प्लान होता है मैं आपको बताता हूँ। और भाई फर्स्ट स्नोफॉल थी सीज़न की यहाँ पे, और भाई काफ़ी मज़ेदार थी यार, मतलब इतना मज़ा आया ना भाई स्नो में, मतलब गजब भाई, और ठंड तो इतनी हो रखी है भाई, हाथ पैर सुन हो रखे हैं बिल्कुल, खासकर पैर, क्योंकि मतलब मेरे शूज़ से भी एंकल तक मेरे बर्फ़ आई हुई थी, इतनी ज़्यादा बर्फ़ में घुसा हुआ था मैं। तो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर आगे।